हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अपन ने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेटा अपना इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर अपन बोर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, जिससे अपन को एटम के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पर अपन जो ईएमआर रेडिएशन है, इससे अपन जो आपकी रेडिएशन होती है उसकी वेव्स नेचर और पार्टिकल नेचर्स को अपन एक्सप्लेन करेंगे, और उसी के बेस पे आगे चल के अपन जो आपका मैटर होता है उस मैटर की भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को अपन शो करेंगे। तो यहां पर अपन पहले रेडिएशन को वेव नेचर में और पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको अपन रिसेम्बल करेंगे किससे, मैटर से। क्लियरली, तो अपन पहले डिफाइन करते हैं किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। ये सबसे पहले प्रपोज किया था बेटा किसने, मैक्सवेल। इसने किया था ये मैक्सवेल। क्लियर, मैक्सवेल साइंटिस्ट था। उसने कहा कि आपकी कोई भी लाइट है या कोई रेडिएंट एनर्जी है, क्योंकि जो भी इस पूरे यूनिवर्स में है वो सब कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ एनर्जी है। कोई भी लाइट है या रेडिएंट एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, किसी न किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, राइट। जैसे अपने पास में ये वेव्स है, राइट, तो इस वेव्स में भी कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो इसके लिए क्या होती है आपके पास में मीडियम में क्या होती है, ये प्रोपोगेट होती है। अब यहां पर बताया कि ये जो वेव्स है, ये वेव्स अगर आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, देखिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोज वेव्स विच आर एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात क्लियर होगी, दोज रेडिएशंस विच आर एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर। दैट इज क्लियर। और ईएमआर जो होती है वो प्रोपोगेट होती है सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कितनी होती है आपकी, c इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज इसके लिए क्या है कि जो आपके EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, राइट। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी होगी, दोज रेडिएशंस विच आर एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू लाइट ऑफ वेलोसिटी, एंड नो रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन आर कॉल्ड ईएमआर। अब इस रेडिएशंस जो है या ईएमआर है, उसके लिए कुछ अपन फंडामेंटल इंफॉर्मेशन लेंगे, जैसे वेवलेंथ हुआ, इसके अलावा अपने पास में फ्रीक्वेंसी हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, वेव नंबर हुआ, इन सब के बारे में अपन यहां पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए बेटा, वेव्स अपने पास है, सपोज अपने पास में ये मीडियम है, क्लियर, इस मीडियम को अपन, ये कोई वेव्स अपन ने यहां पर बना रखी, क्लियर। अब इसके लिए ये आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है, अब इससे रिगार्डिंग यहां पर कुछ डेफिनेशन अपन यहां पर क्लियर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी अपने पास में क्या, वेवलेंथ। क्या होगी अपने पास में, वेवलेंथ, जिसको अपन किससे, लैम्डा से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे,
वेवलेंथ, वेव की लेंथ, राइट। अब यहां पर ये प्रोपोगेट हो रही है, ये प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, आप क्लियर, ये वेव्स है। अब ध्यान दो, आपने कभी कहीं भी किसी पॉन्ड में या रिवर में आपका जो वाटर फ्लो होता है वो किस तरह से है, इस तरह से फ्लो होता है जैसे वेव फ्लो हो रही है, क्लियर, देखा होगा आपने कभी, कभी बैठे हो आप, कभी गए हो, तो सेम है, आपकी वेव्स भी वैसे ही अप डाउन वे में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। तो ये जो अप वाला एरिया है इसको बोला जाता है आपको क्रेस्ट, राइट। इस अप वाले एरिया को बोला जाता है आपका क्रस्ट, क्लियर, और जो डाउन वाला एरिया है उसको बोला जाता है ट्रफ। कोई डाउट है? अप वाला एरिया है, जितना अप जाएगी वो हाइट क्या होगी आपकी, क्रस्ट, और जितना डाउन जाएगी वो हाइट क्या होगी आपकी, ट्रफ। इसको अपन यहां पर एम्पलीट्यूड नाम देंगे, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ये देखो कंटिन्यू, अप वाला आपका क्रस्ट हो गया, डाउन वाला क्या हो गया आपका, ट्रफ, क्लियर। तो जो वेवलेंथ है उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, ये वर्ड यूज किया अपन ने, एडजेसेंट मतलब नियर बाय, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये देखिए यहां से यहां तक की, क्योंकि दोनों क्या है आपके क्रस्ट है और ये दोनों क्या है आपके ट्रफ है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा, और इसकी बहुत ही माइनर वेवलेंथ होती है, इसलिए इसको जो यूनिट काम में लेते हैं बेटा वो या तो एंगस्ट्रॉम में होती है या नैनोमीटर में होती है या पिकोमीटर में होती है। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है यहां तक? आगे चलते हैं। सेकेंडली आपको कौन सी, फ्रीक्वेंसी, इसकी बात करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को अपन किससे, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, न्यू से, एन ई डब्ल्यू, जो आपका न्यू, जो वी लिखते हैं वी को थोड़ा सा अपन इस तरह से मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, न्यू हो जाएगा, क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी के लिए अपन क्या कहेंगे कि आपका जो प्रोपोगेशन हो रहा है उस प्रोपोगेशन में वन सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ वेव्स फास्ट इन वन सेकेंड एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया बात? द नंबर ऑफ वेव्स फास्ट इन वन सेकेंड एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ए गिवन पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ वेव्स वन सेकेंड में पास होती है उसको अपन क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है वो होगी आपकी ऐसा एम, तो लिखते अपन हर्ट्ज, एच जेड में, या सेकंड इनवर्स, या सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। बात क्लियर है? हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, सीपीएस, तीनों में से किसी में भी आपको गिवन हो सकती है, क्लियर। थर्ड अपनी डेफिनेशन है कौन सी, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में क्या कहेंगे, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बात क्लियर है? द हाइट ऑफ क्रस्ट, डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और इसको अपन किससे लिखते हैं, ए से, और ये क्या होगी, एक तरह की लेंथ होगी, ये किसमें जाएगी आपकी, सेंटीमीटर में, मीटर में। बात क्लियर होगी? यहां तो कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नंबर फोर, वेलोसिटी, इसकी बात करते हैं अपन, वेलोसिटी की बात करते हैं कि कोई भी आपकी वेव है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी सब जानते हो आप, ए वेव
travel the distance in 1 second. A wave travel a distance in 1 second is called velocity of a given wave. Clear? इसका जो सिंबल होगा वो सी लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं. सी इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट और वी कोई भी रेडिएशन के लिए अपन यहां पे इसको लिख सकते हैं. सी लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं. क्लियर हो गया बेटा. लास्ट अपने पास आता है अपने पास में कौन सा नंबर फिफ्थ वेव नंबर. इसकी बात करेंगे बेटा वेव नंबर की बात करेंगे. वेव नंबर को अपन लिखेंगे आपसे न्यू वार्स. इसे लिखेंगे अपन न्यू वार्स राइट. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. इट इज कॉल्ड वेव नंबर. इट इज कॉल्ड वेव नंबर. और वेलोसिटी को अपन मीटर या सेंटीमीटर में इसका जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो गया आपकी सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स. सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स न्यू वर्ड. क्लियर. तो फर्स्ट लिखा अपन वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड एम्पलीट्यूड, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ हो गया आपका वेव नंबर. ये सारे डेफिनेशन आपकी किससे रिगार्डिंग थी, एक सिंपल वेव के रिगार्डिंग थी. इनसे आगे बढ़ेंगे अपन. अब यहां पर कुछ रिलेशन है आपके पास जैसे गिवन है. देखिए बेटा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा. न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा. और इसको अपन क्या ले सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वन अपॉन लैम्बडा. क्लियर. तो यहां पे अपने पास में वन अपॉन लैम्बडा को भी क्या लिखा था अपन ने न्यू बार. न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा सी इंटू न्यू बार. ये कुछ रिलेशन है इनको आपको ध्यान में रखना है जिससे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा और न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वन अपॉन लैम्बडा और वन अपॉन लैम्बडा को क्या ले सकते हैं अपन न्यू बार. देन न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार. क्लियर. ये तीनों फॉर्मूले हैं जो अपने न्यूमेरिकल में यूज आएंगे. आई होप आज की क्लास में आपको डेफिनेशन क्लियर में समझ में आई होगी. डियर स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.